नंदिनी, अपने जीवन के महिषासुर का वध हमें खुद अपने नेक इरादों और हिम्मत से करना होता है। तो जा और असुरों ने लगाई हुई आग से अपने परिवार को बचा ले। तुम्हारी इस लड़ाई में मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आइए, दरवाजा खुल गया। ये तो लारी, ला माचिस, ला, ला। ए वीरन, आग लगाएं सबको। ए वीरा, ये लारी माचिस गीली है। हम सब पे और पूरे घर पे पेट्रोल छिड़का गया है। अगर तुम आगे गई तो तुम पे चिंगारी लगेगी और तुम जल जाओगी। तुम आगे नहीं जाओगे। अग्री जी हीरो, अभी लड़ाई हमें डर के नहीं लड़के जीतनी होगी। कहे कि अगर आप आगे नहीं गए तो लोग भारद्वाज खानदान की मेहनत की कमाई को अपनी बेईमानी की कमाई बना देंगे। हमें कुछ करना होगा। दूसरे कान ना आ गए। दूसरे कान अंग्रेज पीछे हट, वरना पूरी हवेली जला के राख कर देंगे हम। जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। जी देख। कोई बीच में नहीं आएगा। ये दुलारी चल। चल छोड़ से। दुलारी मार। पीछे कर। बंदूक के सामने हमारा देवी माँ का त्रिशूल है। क्या तुमने गोली चलाई? वहां हमने ये त्रिशूल तुम्हारे अंदर घोपा, वो भी सीधा सीने पे।
से ही सही, लेकिन अब तुम्हारे बुराई का अंत होकर रहेगा। बहुत सताया था तुमने हमारे परिवार को, लेकिन अब दुख सहने का समय तुम्हारा आया है। ये दौलत हमने बहुत मेहनत से कमाई है, ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे हम। कोई भी ससुर आगे बढ़ा तो मार डालेंगे ने। जा रहे हैं हम वापस आएंगे। सभी अंग्रेज तुम्हें छोड़ के चला जाएगा ना, तुम्हारा ही पीर ही आएगा तुम्हारा साथ देने। नंदिनी, आज हम सब की जिंदगी बनकर यहाँ खड़ी है, उन दोनों के सामने हिम्मत दिखाने के लिए धन्यवाद। नहीं दादी माँ, हमने आप सबकी जान नहीं बचाई है। हम सबकी जान तो साक्षात देवी माँ ने बचाई है। इधर आइए, आप सब भी आइए ना। ये देखिए दादी माँ, जो अम्मा जी आई थी वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो साक्षात देवी माँ का रूप थी। उन्होंने बचाया हम सबको। नंदिनी, इस घर में नवरात्रि तो हर साल होती है, लेकिन देवी माँ इस बार साक्षात हमारे घर में आई, आकर नंदिनी को आशीर्वाद दिया है। ये इस बात का संकेत है कि नंदिनी एक आदर्श बहू बनने के एकदम योग्य है। और कोई भी उसे एक आदर्श बहू बनने से रोक नहीं सकता।
सारी? इतनी सारी माफिया कौन मांग रहा है हमसे? तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ भूल, उसके लिए हम सो सॉरी। नदियों के साथ जैसे रहते हैं किनारे, गुलशन में आके जैसे रहती है बहारे। नदियों के साथ जैसे मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा आग के लपटों की तरह, और मेरा सॉरी उस आग को बुझाने के लिए सिर्फ चुल्लू भर पानी। पता है मुझे, लेकिन नंदनी मैं तुमसे दिल से सॉरी भूल रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो। यार तुमने भी तो मुझे दुलारी और बीरा को भगाने के प्लान के बारे में नहीं बताया था, अगर बता देती तो नहीं होती गलतफहमी मुझे। बोलोगी कुछ? क्या बोले? अब सुनते हैं कामरी, आपकी विलायती माफी हमें खुश नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तो क्या करो तुम्हारे लिए, जानता रे तोड़ लो। हाँ तोड़ लाइए। वैसे आप चांद तोड़ने जाएंगे कैसे? कोई ट्रेन है या फिर अपने लिए चंद्रयान बनवाया आपने? ले बोलिए। मजे ले रही हो तुम मेरे? का मजे आपके? नहीं नहीं नहीं, आप कहा विलायत के नवाब और हम गांव की गवार। देखो नंदनी, मजाक से हटके मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ तुमसे, दिल से, और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज माफ कर दो ना। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, हमें हमारा मान सम्मान चाहिए, वो हक चाहिए जो एक पत्नी को दिया जाता है। बोलिए देंगे हमें वो हक? स्वीकार करेंगे हमें अपनी पत्नी के रूप में? बोलिए। हर बार हमारा दिल तोड़ जाती, कब आएगा वो दिन जब आप अपनी जिंदगी में हमें पत्नी के रूप में अपनाएंगे? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अगर तुम्हें एरोप्लेन उड़ाने का इतना ही शौक है तो इन किताबों से पढ़ो, काबिल बनो, फिर उड़ाओ एरोप्लेन।
ये किताब फाड़ने से ना कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हें पाप लगेगा पाप। विद्या नहीं आएगी बेवकूफ कहेंगी। ठीक है जैसा आप बोले। किताब जी हमें माफ कर दीजिए, सारी गलती से हो गया हमसे। ठीक है अब पाप नहीं लगेगा ना, पुण्य मिलेगा ना। तुमसे बहस कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। चलो आप पढ़ाई करते हैं। वैसे आज अचानक से हमें पढ़ाई करने का आया है, कोई बात हुई है का? नहीं कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हें इतने दिनों से पढ़ाया नहीं ना इसलिए। और वैसे भी तुम्हें पढ़ा लिखा के काबिल बना के मुझे अमेरिका जाना है। जो बैठो। बार बार आंसू बहाना जरूरी है क्या? कुछ नहीं, पढ़ते हैं। ये बुक कल मैंने उस दिन क्या पढ़ाया था? आज तुम्हें ABCD पढ़ाई थी, तो आज हम अच्छा सुनो, इस पे ABCD 20 बार लिखो, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है, अटेंड करना है। सुना है कि किताब इंसान का भविष्य बनाती है। खबरा तो नहीं पता पर लेकिन हम आपका भविष्य जरूर बनाएंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई करेंगे कि काबिल बनेंगे, ताकि आप खुशी खुशी सुकून से अमेरिका जाकर अपना भविष्य बना सके। आपकी पत्नी ना सही लेकिन आपके लिए आदर्श विद्यार्थी जरूर बनेंगे। अरे वाह बहुत अच्छा, मुझे ये कलर पसंद आया है। नंदिनी यहाँ आओ बेटा। हाँ हाँ ये भी अच्छी। दादी माँ इधर आओ, मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो हमने आकाश की नई कैबिन के लिए ये सब फर्नीचर बनवाया है, देखो कैसे लग रहा है। आशीष ये सब परफेक्ट है, जो भी बचा कुचा काम है ना फटाफट उसको फिनिश करो। ठीक ओके मैम। ये सब लेके जाओ, मैं ऑफिस में मिलती हूँ तुमको। लोगों से अक्सर मैंने ये सुना था कि पत्नी के भाग्य से पति की तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी होती है। आज साक्षात ये कहावत हमने सच होते हुए देखा, क्योंकि तुम आदर्श बहू बनकर सिर्फ इस घर के ही नहीं आकाश की भी तुमने किस्मत पलट दी है। तभी तो आकाश को उत्तराधिकारी बनने का अवसर मिला है। पता है 4 दिन बाद हम भारद्वाज इंडस्ट्रीज में उसको उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। हाँ बेटा जीती रहो। इस सुमित्रा ने अपने अरमानों का किला बना तो लिया है, लेकिन इतनी आसानी से इसके अरमानों को पूरा तो होने नहीं देंगे। ये इमरती इसके अरमानों पर पानी फेर देगी, याद रखना सुमित्रा। भैया बस आप ये समझ लो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई है। तो बहुत अच्छी बात है आकाश, लेकिन मुझे लगता है तुझे इस बारे में दादी से बात कर लेनी चाहिए। मैंने सुना है कि अगला उत्तराधिकारी तू ही बनेगा। अब कोई उत्तराधिकारी का पद मुझे अमेरिका जाने से नहीं रोक सकता भैया, क्योंकि मुझे अमेरिका के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप मिल रही है और मुझे 4 दिन में अमेरिका किसी भी हाल में जाना होगा। आकाश तू दादी से इस बारे में क्या बोलेगा? वही जो सच है बोल दूंगा। भैया कोई भी जबरदस्ती का रिश्ता मुझे मेरे सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। तो कहीं नंदिनी की बात तो नहीं कर रहा, छोड़ रहा है क्या उसे तू? अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे छोड़ना ही पड़ेगा। एकदम 16 आने खरा फैसला लिया है तूने आकाश। सबसे
सबसे पहले तो अमेरिका से बुलावा आने के लिए वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस डी। थैंक यू चाची। मैंने तेरी सारी बात सुन ली और मुझे तो ऐसा लगता है कि नंदिनी ने तेरे पैरों को मोटी मोटी बेड़िया बनकर जकड़ लिया है और उसी वजह से तू अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। और सुमित्रा चाची, उन्होंने तो तेरे गले में रस्सी का फंदा डाल के उसकी लगाम नंदू के हाथ में दे दी। यही वक्त है आकाश, अपने माथे पे कफन बांध और अपना सपना पूरा करने के लिए निकल जा। और उत्तराधिकारी वो तो नील भी बन सकता है ना। तू आज ही उसे फोन करके बुला ले, मैं तो कहती हूँ, और सुमित्रा चाची का राइट हैंड बना दे उसे, सारी जिम्मेदारी उसे दे दे तू। और आई एम वेरी श्योर कि वो राइट हैंड एकदम राइट काम करेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं चाची आप, नील उत्तराधिकारी बनने के लिए बेस्ट है। बस बहुत हो गया उसका बाइक राइडिंग और ये पहाड़ चढ़ना। मैं आज ही उसे फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि बिजनेस आके संभाले। एग्जैक्टली। आज आकाश को भड़का के हमने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तीर से मेरा बेटा नील बनेगा उत्तराधिकारी और दूसरे तीर से टूटेगी नंदिनी और आकाश की शादी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.